नमस्कार साथियों, मैं दलीशिव शुभम स्वागत करता हूं आप सभी का इस नई वीडियो में। जैसे कि आज मैं आपको बताने वाला हूं बचपन के प्यार के बारे में, इसके बारे में। तो गाइस, कहते हैं ना, कभी लक साथ दे देता है तो कभी लक धोखा दे देता है। कुछ ऐसा ही होता है हम लोगों के साथ। जैसा कि इस सॉन्ग आपने उसका सुना होगा, मैं सॉन्ग नहीं सुनाऊंगा आपको, कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकता है मेरे को, क्योंकि अब ये बादशाह के पास चला गया है जो बहुत बड़ा सिंगर है, आप सब भी जानते होंगे। आपको मैं इस बादशाह की लास्ट सॉन्ग का दिखाता हूँ जो कुछ ही दिन पहले आया है। देख सकते हैं कितना ज्यादा व्यूज आया है। मान के चलो इस बंदे को, ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, बचपन के प्यार को, जो इसी सॉन्ग पे फेमस हुआ है। और गाइस, हम इतना ज्यादा मेहनत करते हैं फिर भी हमारे 200 से 300 व्यूज आते हैं ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। लेकिन इस बंदे ने मतलब पता नहीं ऐसा क्या किया, इसका लक कितना अच्छा था कि इसके मतलब मिलियनों के बिलियनों आ गए, ठीक है। तो बिलियनों तो छोड़ो, अगर आप देख सकते हैं लास्ट मतलब वीडियो है बादशाह का, जिसने कुछ ही दिन पहले इसने रिलीज किया है, कितना ज्यादा व्यूज है। अगर इसका 1% भी इस बच्चे को मिल जाए तो इसके लिए और क्या हो सकता है, ठीक है। मतलब इसके पूरे बचपना का पॉकेट मनी इसे मिल सकता है, इतना ज्यादा है। तो गाइस, कुछ नहीं, बस मैं यही कहने आया था आज। वैसे तो मैं ऐसी कोई वीडियो बनाता नहीं हूं, लेकिन आज मैं ये बताने वाला हूं कि गाइस देखो, कोई भी आप काम कर रहे हो तो उसे छोड़ो मत, कभी ना कभी आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। जैसे कि ये बच्चे हैं, इनको मिला और हमें देख के बड़ा बुरा लगा, यार हम इतनी मेहनत करते हैं लेकिन हमें सक्सेस नहीं मिली, लेकिन इस बच्चे ने बस गा दिया बचपन का प्यार और ये सक्सेस हो गया। गाइस, बस किस्मत की बात होती है, किसी का लक साथ दे देता है किसी का लक साथ नहीं देता है।